नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। सबसे पहले मैं आप लोग को खुशखबरी दे देता हूँ, नीट 2018 का जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद फर्स्ट राउंड में जिसका सिलेक्शन हो गया। अब मैं आप लोग को एक इस न्यूज़ में आप लोग के लिए जैसे खुशखबरी आप लोग देख सकते हैं कि खुशखबरी है सारे नीट स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नीट अपेयर हो रहे हैं, जो नीट अपेयर होंगे और आगे होंगे या फिर पिछले साल से हो रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी अभी आप लोग को इस वीडियो के चलते चलते आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग का 2018 नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए या फिर आप लोग कुछ मार्क्स से चूक गए, कुछ मार्क्स से आप लोग मतलब अच्छा प्रिपरेशन होने के बाद भी वहाँ जाके नर्वस हो गए और आप लोग को मौका नहीं मिल रहा, तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आप लोग को साल में एक ही एग्ज़ाम देना, नीट नीट एक ही बार देना होता है, एक ही बार आपको मौका मिलता है। बाई चांस आपको उस मौके में आप लोग को कोई बीमार पड़ गया, कोई बुखार हो गया या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वो एग्ज़ाम सेंटर तक जा ही नहीं सके, तो उस कारण जो है वो स्टूडेंट का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और उसके पास अगला चांस कब आता है, अगले साल आता है, मतलब उसका एक साल जो है बर्बाद हो जाता है, उसका सारा सारा प्रिपरेशन जो है वो सब बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए सी बी एस ई ने एक आवाज़ उठाई कि सी बी एस ई ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रही है, जैसे कि टेंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, टेंथ ट्वेल्थ का बोर्ड्स हो गया, स्कूल के करिकुलम में सब कुछ का जो अच्छा करने में सी बी एस ई काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर वो एग्ज़ाम्स भी कराएगी, जैसे नीट एग्ज़ाम हो गया, नेट एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, नेट एग्ज़ाम होता है, सी टेट एग्ज़ाम होता है, तो ये सब अगर सी बी एस ई कराएगी तो वो उसमें कैसे ध्यान देगी? अगर ये सब में ध्यान देगी तो उसका वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण क्या है, सी बी एस ई ने बोला कि हमें थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए एक नया ग्रुप बनाइए, एक नया नया एक टीम बनाइए जो जो ये सारे एग्ज़ाम्स करवा सकें। तो ये जो वीडियो है उसी उसी के लिए आप लोग के लिए है कि आप लोग का जो एन टी ए है, आप लोग का जो एन टी ए है वो एक एजेंसी है, वो एक आप लोग का एजेंसी है, और सी बी एस ई जो है वो अभी तक करवा रहा था नीट इस साल तक, तो हो सकता है अगले साल से एन टी ए करा दें, एन टी ए जो है वो अगले साल से करा दें। तो अगर एन टी ए अगले साल से कराया, एन टी ए का सबसे पहले मैं आप लोग को फुल फॉर्म बता दूँ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, अगर उसने 2019 से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराना चालू कर दिया तो काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, सी बी एस ई को रिलीफ मिलेगा और बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग एक के बाद एक आप लोग जानने को मिलेगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए। अगर एन टी ए ने 2019 करवाया तो आप लोग के लिए क्या क्या खुशखबरी है, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा ये। अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या खुशखबरी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल नाउ कंडक्ट द मेजर एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विच अंटिल नाउ वेयर बींग कंडक्टेड बाई सी बी एस ई। दिस बोर्ड हैज़ बिन द मेजर एग्जाम कन्वेनर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एन टी ए। द स्टूडेंट्स हु विल बी अपियरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम्स कैन एक्सेप्ट एक्सपेक्ट सम नोटेबल चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम्स। मतलब यही बोल रहे हैं कि सी बी एस ई अभी तक करा रहा था, अब एन टी ए जब कराएगा तो कुछ कुछ आप लोग को चेंज देखने को मिलेगा। एन टी ए विल टेक ओवर द एग्जाम्स कंडक्टेड बाई सी बी एस ई, दिस शिफ्ट विल बी रिजल्ट इन सम चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स। नाउ द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, मतलब साल में आप लोग का दो बार एग्ज़ाम होगा। अगर एन टी ए करवाता है तो आप लोग का साल में दो बार एग्ज़ाम होगा। अगर बाई चांस आप लोग एग्ज़ाम में नहीं जा पाते, जैसे मैं आपको कहा कि अगर बाई चांस आप लोग बुखार पड़ गया या फिर आप लोग को कुछ ना कुछ कारण हो गया कि आप लोग ठीक से प्रिपरेशन लास्ट मंथ में या सेकेंड लास्ट मंथ से आप लोग डिस्टर्ब हो गए, तो उसके कारण आपका एक आपका एग्ज़ाम बिगड़ जाता है और आप लोग को एक साल वेट करना पड़ता है और आप लोग का एक साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब जो है एन टी ए जब ये चालू करेगा एग्ज़ाम्स करवाना, तो उसके लिए दो आप लोग का ये दो चांस रहेगा आपके पास, साल में दो चांस रहेगा, तो आप लोग दो चांस, अगर एक चांस बिगड़ता है तो दूसरा आप लोग के पास खड़ा है सामने, तो उसके लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस विल गेट अप्लाइड टू नीट इंस्टेड ऑफ वन, नाउ बोथ दिस एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड टू टाइम्स इन ए ईयर। दिस अप्लाइज टू अदर एग्जाम्स एज वेल विच आर कंडक्टेड बाई सी बी एस ई। अदर एग्जाम्स आप लोग देख सकते हैं, सी टेट हो सकता है, नेट एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, ये सारा जो है सी बी एस ई कराता है, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में जो अप्लाई होगा कि दो साल में दो बार आप लोग को चांस मिलेगा। ऑल्सो ऑल द एग्ज़ाम्स विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। आप लोग का जो भी एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में हो रहा था, अब वो आप लोग का ऑनलाइन मोड में होगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्या है आप लोग के रिजल्ट फेयर रहते हैं, उसमें उसमें आप लोग का कोई स्कैम नहीं होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में आप लोग का बहुत सारा स्कैम्स देखने को मिल सकता है, बहुत सारा ये अंदर अंदर करप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन मोड में आप लोग को चांसेस उसके बहुत ही कम हो जाते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, ऑल्सो दिस शिफ्ट विल बी ऑल्सो ब्रिंग चेंज इन द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम्स। सिलेबस भी चेंज हो सकता है, सिलेबस जो है अभी नीट एग्जाम इज कंडक्टेड ऑन द सी बी एस ई क्लास 11th एंड 12th सिलेबस,
अभी तक जो है नीट एग्ज़ाम CBSE कराती थी, इसलिए CBSE का जो बोर्ड का एग्ज़ाम वो सिलेबस 11th 12th का उसी से सारे क्वेश्चन आते थे। इस बार भी अगर देखा जाए तो 180 क्वेश्चन में 170 160 क्वेश्चन जो 11th 12th के CBSE बोर्ड से डायरेक्ट उठ के आए हैं, और जो 10 क्वेश्चन हैं वो 10 से 20 क्वेश्चन वो अलग थे। तो इसके कारण क्या होता है, द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स फेल्ट द डिफिकल्टीज सिंस द सिलेबस ऑफ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट इज इंक्लूडेड इन CBSE बोर्ड। मतलब जो स्टेट बोर्ड को सिलेबस स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगा, दिक्कत होगा, क्योंकि उन्हें CBSE बोर्ड का आदत नहीं रहता, उनको स्टेट बोर्ड का आदत रहता है और उनको क्वेश्चन आ जाता है CBSE बोर्ड का। तो यही जो दिक्कत है नीट में, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है, इसमें आप लोगों को ऑल इंडिया को देखना है। ऑल इंडिया में स्टेट बोर्ड वाले भी हैं, CBSE बोर्ड वाले भी हैं, ICSE बोर्ड वाले भी हैं, सारे बोर्ड वाले हैं। तो सारे को देखने के लिए आप लोग को एक डिवाइड करना है कि CBSE से इतना, स्टेट से इतना, आप लोग को नॉलेज, आप लोग को कुछ चेक करना है, वो सब डालना है आप लोग को नीट में। इसलिए जो है NTA जो है ये भी आप लोग का सिलेबस भी चेंज देखा जा सकता है। अगला अगर हम लोग आ जाए, NTA विल स्टार्ट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2019, ये तो वही हो गया, हाँ नहीं वही है, NTA विल स्टार्ट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2019, दोज हु विल बी अपीयरिंग फॉर द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन कैन सी सम इम्पैक्ट्स ऑन देम। दोज हु विल बी अपीयरिंग फॉर द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन कैन सी सम इम्पैक्ट्स ऑन देम। फर्स्टली दिस एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर, साल में दो बार होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। दिस विल बी ह्यूज रिलीफ फॉर द स्टूडेंट्स हु प्रिपेयर फॉर नीट विद ऑल देयर हार्ट। मतलब यही है कि आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिना डरे बिना सोचे आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक चांस आप लोग का जाता है तो दूसरा चांस आप लोग के लिए खड़ा है, वो भी आपके 6 महीने बाद। साल में दो बार हो रहा है तो आप लोग को 6 महीने का जो गैप है उस गैप के बाद आप लोग का दूसरा एग्जाम होगा। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से दीजिए अगर आप लोग का 2019 में NTA करवा रहा है तो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नीट इज़ कंडक्टेड वंस इन ईयर, इफ द कैंडिडेट इज नॉट एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स और मिनिमम मार्क्स दे हैव टू ड्रॉप ए ईयर टू गिव एग्जाम अगेन। Now that the exams will be conducted two times, aspirants can have a sigh of relief. NEET is conducted few days after the class 12th board examination, which itself is a big mountain for them. In case they don't perform well for the first time, they can appear for the second time without wasting a year. ये यही बोल रहा है कि अगर बाई चांस आप लोग को कोई कारण हो आप लोग नीट नहीं दे पाते हैं तो आप लोग के पास नेक्स्ट जो है चांस आपके पास तुरंत आपके 6 महीने बाद है। अगर ये नहीं होता तो आप लोग का 1 साल जो है बर्बाद हो जाता है। अगला देखा जा सकता है, जैसे ही 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन हो जाता है उसके बाद आप लोग का नीट कंडक्ट होता है। ऑलरेडी 12th का बोर्ड आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, उसको क्लियर करना ही आप लोग के लिए बहुत बड़ा टास्क है, उस पर आप लोग पूरा ध्यान लगा। उसके बाद तुरंत के तुरंत आप लोग नीट एग्जाम्स कैसे क्लियर कर देंगे, आप लोग को टाइम चाहिए। तो बाई चांस आप लोग को वो नीट खराब जाता है तो अगला नीट जरूर अच्छा जाएगा, जो कि 6 महीने बाद, आप लोग का 1 साल बर्बाद नहीं होगा। अगला देखें तो ऑल्सो सिंस द चेंजेस विल बी देयर इन द सिलेबस, इट विल एड्रेस द इशू ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम वेरियस स्टेट बोर्ड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिलेबस चेंज होगा तो स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि CBSE बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो स्टेट बोर्ड वाले क्या करें, वो कंप्लेंट्स भी आप लोग का सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम आर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ 11th एंड 12th क्लास एज प्रिस्क्राइब बाय द CBSE। स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स फील डिस्क्रिमिनेटेड एट दिस पॉइंट। NTA विल प्लान अ सिलेबस विच विल सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सारे के सारे इंडिया में हर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो NET जो एग्ज़ाम्स करवाएगा वो सही करवाएगा, NTA जो एग्ज़ाम्स करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो एग्ज़ाम जो कराएगा वो सारे इंडिया के हर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रहेगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है जो पढ़े हैं उसके हिसाब से रहेगा। CBSE विच मेजरली वॉज ए स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बोर्ड कंडक्टेड मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, now with the introduction of NTA they will be relieved of burden of conducting exams, they will be now able to focus on their area which is conducting the CBSE class 10th and 12th exams, also their focus now be improving the quality of education innovation in the curriculum। वही है कि अब जो है CBSE जो है अगर NTA अगर आ जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अगर आ जाता है तो CBSE अच्छे से फोकस कर सकता है 10th और 12th बोर्ड पे, और अच्छे से फोकस कर सकता है उनके क्वालिटी को सुधारने में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन को सुधारने में अच्छे से हेल्प कर सकता है। सो ये है आप लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खबर, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। सो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स इस बार अच्छा नहीं लाए तो अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास दो चांस रहेगा। तो इस साल अच्छे से हम लोग रगड़ के अच्छे से मेहनत कीजिए, जो भी आप लोग का बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप लोगों को एक बार मौका मिलेगा, फिर दूसरी बार मौका मिलेगा, और बीच बीच में आप लोग टेस्ट देती रहिए। और न्यू सिलेबस अगर कोई भी चेंजेस आता है उसके लिए आप लोग को नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना है। क्यों दबाना है, क्योंकि जैसे ही मैं कोई आप लोग के लिए
कोई भी न्यूज़ लाता हूँ तो आप लोग के होम पेज में नहीं आएगा, तो आप लोग को पता नहीं चल पाता, आप लोग को पता नहीं चल पाता तो आप लोग बहुत बड़ा चीज़ मिस कर जाते हैं। जैसे कि ये न्यूज़ है, अभी बहुत लोग को आपको पता नहीं होगा लेकिन अब पता चल गया। क्यों पता चला? क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियोज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।